गाइस हेलो जी नमस्ते सत श्री अकाल आदाब क्या चल रहा है। होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजे में चल रहा है, खुद का बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। एंड मैं मुनव्वर का सेकंड पार्ट लेकर आ चुकी हूँ इंटरव्यू का। जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी या आप लोग को आई बटन पर मिल जाएगा। तो ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही जो भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हैं, बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मुझे कॉमेंट करके बताना कि और किसके वीडियोज पर रिएक्शन चाहिए है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर डीएम भी कर सकते हो, लिंक भी शेयर कर सकते हो। और जो एमसी स्टैंड के रिक्वेस्ट मुझे आप लोग बोल रहे हो कि और वीडियोस लेकर आओ, तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैंने जो है ना कुछ वीडियोस को मर्ज करके एक वीडियो बनाया था लेकिन उसके अंदर जो है ना कलर्स वालों ने कॉपीराइट क्लेम लगा रखा है, तो मैंने अपलोड भी किया तब भी जो वो प्ले नहीं हुआ है। तो बेटर कि आप लोग मुझे लिंक शेयर करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, तो फिर मैं आप लोग के लिए भी रिएक्शन लेकर आ जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलते हैं हम लोग हमारे ये वीडियो के साइड पे, बाकी की बातें करेंगे हम लोग वीडियो खत्म होने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पता है सबसे बेस्ट पार्ट अभी स्टार्टिंग में ही मुझे कौन सा वाला लगा, जहां पर मुनव्वर और फैजू ने हक किया ना एक दूसरे को, जबरदस्त। संघर्ष के बारे में बात कर रहे हैं। 2022 सक्सेस सबके सामने दिख चुका है, सबको मालूम है। हार्डकोर मोमेंट्स ऑफ संघर्ष क्या थे फैजू? हार्डकोर मोमेंट मेरी मेहनत का अगर मैं कहूंगा तो ये दोनों रियलिटी शो है भाई, इसलिए मैं आप लोगों को इतना सैल्यूट करता हूँ। मैंने झलक में कितना टाइम दिया रहूंगा, मैंने शुरू के 1.5 महीना मैंने 8 घंटे से 9 घंटा डांस की प्रैक्टिस किया हूँ, जो कि मैं डांस में एकदम जीरो, मैंने डांस कभी नहीं किया। अब वो 8 से 9 घंटे की इसमें, अब शुरू के 1.5 महीने में तो मुझे समझ में आने लग गया कि मतलब हाँ मैं इतनी से इतनी मेहनत करूंगा, एंड में जाके मार्किंग करूंगा फिर जाके कर लूंगा, तो मुझे बाद में समझ में आने लगा। मेरा संघर्ष दिखता है तो यू डिड सो वेल अंदर गया ना 1 महीने के बाद बाहर आ गया, तो हम सेठी बाजी हम तो जो मैनेज करते हैं, मैंने बोला मैं कहा अब ये कुत्ता समझेगा हमारी इज्जत है, तो बहुत इजी है, ये नहीं पता कि अंदर क्या पॉलिटिक्स चल रही है, तुम्हारे अगेंस्ट क्या चल रहा है। एक और थंबनेल मिल गया, प्रिंस ने कहा मिलिंद गाबा को कुत्ता। मुनव्वर फारूकी डिड अ लाइव स्टैंड अप कॉमेडी शो विच अटेंडेड बाय करण कुंद्रा तेजस्वी एंड प्रिंस एंड आफ्टर दैट डिनर विद फलाना फलाना पर्सन। मैं बोला ड्राइवर वगैरह भी नाम डाल दो तो नाउ ये इनका तो वेट ड्रीम है भाई, ये सिद्धार्थ कदम का वेट ड्रीम है, इनका सबका नाम नहीं डाल रहे उनको कहीं तुमने डाल रहे। एक चीज मैं बोलूं, आई लव द फैक्ट कि सब इतने अनइनहिबिटेड है, इसका भी जब आता है मान लो बात हम हटाते भी नहीं है यार, रहते हैं वो सब कमेंट्स। तुम्हारा संघर्ष बहुत रहा है सर। मैं ये बोलूंगा कि मेरा जो संघर्ष रहा है वो संघर्ष तो पूरी जिंदगी चलते रहता है, पहली बात इस साल का जो संघर्ष है वो ये कि बिग बॉस में हर एक दिन को गिनना मुझे याद है, लोगों को लगता था कि भाई मैं तो रह लूंगा यहाँ पे 6 महीने साल 2 साल 3 साल रह लूंगा यहाँ पे, मुझे लगता था कि मैं क्या बोलूँ इनको, मैं बोल नहीं सकता ओपनली क्या मैं भैया मेरी तो फटी पड़ी अंदर से, क्योंकि अगर बाई चांस किसी ने देख लिया तो बोलेंगे कि यार इसको तो बाहर निकलना है, इसको निकाल दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेकर्स हो या चाहे वो ऑडियंस हो, तो उनको लगेगा यार ये तो हार्ड हो गया, इसको निकाल दो क्योंकि इसको नहीं रहना, ऐसे नहीं रहना। अब अंदर मैं अपने लड़ रहा हूँ कि भाई मेरे को रहना है लेकिन मेरी फटी पड़ी है, तो
जब एक्सटेंशन हुआ था मुझे याद है मैं शमिता के साथ बैठ के रोया था, मैंने कहा था भाई प्लीज मुझसे नहीं हो रहा अब, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे को रहना है, मुझे जीतना है ये शो। और वो उसके बाद वो करने के बाद जब आप रियलिटी शो कर लेते हो उसके बाद रियलिटी से टर्निंग इन टू एन आर्टिस्ट टर्निंग टू टूवर्ड्स एक्टिंग व्हेन यू आर नॉन एक्टर दिस वॉज माई फर्स्ट शो मैंने किया था अभी, तो मैंने एक्टिंग इससे पहले नहीं करी, तो उससे इसमें घुसना एंड टू प्रूव योर सेल्फ टू पीपल दैट ओके यू कैन डू समथिंग, आई थिंक दैट इज वॉट इट हैज बीन अबाउट यू नो फॉर मी। एंड आई एम द ओनली अर्निंग पर्सन इन द फैमिली, तो उस घर को भाई संभालना, सबकी चाहत पूरी करना, ये सब करना, वो सब आई थिंक वो मैटर करती है चीज़ें। एंड या बट शुक्र है भगवान का हर बात पे, बस ठीक है तो अच्छा है एंड अच्छा ही होते जा रहा है सबके लिए। आई जस्ट विश द सेम फॉर एवरीवन। And I love the fact कि जब भी मैं देखता हूँ तुम्हें, तुम्हारी माँ के साथ देखता हूँ, तुम्हारी बहन के साथ देखता हूँ, so I'm glad that you're doing well for family। जिसमें निकलता हूँ घर से रोज मैं सोचता हूँ अपने लिए तो कर ही रहा हूँ, बेटियों और वाइफ के लिए कर रहा हूँ, पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे अंदर एक शक्ति आ जाती है। जितना मुझे ये है ना कि मुझे नहीं, मेरे को मेरे से बाहर निकल, जैसे इसने बोला कि इससे नहीं निकल जाता, मेरे से बाहर नहीं निकल जाता। I can't go socialize and I can't be at parties and all that. अभी मेरे को लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर नहीं जा रहा हूँ, वही ना socialize करना मेरे से भी मेरे भी बस की नहीं होता। मेरे को लगता है कि मेरे को नहीं, मैं नहीं मिल सकता लोगों से यार, मेरे को काम करवा लो पूरे दिन सेट पर बिठा लो, चाहे मेरे को शूट चाहे कैमरा के सामने दो घंटे, मेरे को बोलते हैं कि दो घंटे हैं रोल करने, मैं जाके बैठ जाऊँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बट वही है कि मेरे से पार्टीज वगैरह नहीं होती, बट वही करनी पड़ती है। बर्थडे पार्टी भी अच्छी थी भाई, पूरी दुनिया गई थी भाई, वो मेरी बहन जो बैठी ना पीछे वो वजह है, एंड ऑल्सो पारुल, ये दोनों ने मिलकर मेरी पार्टी करी है मेरी। मैं तो भाई मैं बोल रहा था कि मेरे को नहीं करनी नहीं करनी नहीं करनी, बट फिर भी कर ली, चलो ठीक है, लेकिन वही है। और भाई एक और बात, टोटली एग्री कर गई यहां पर, हम बोल रहे हैं सबको बताइए, सबको दिखता नहीं, ऐसा नहीं की मैं टिकटॉकर का मजाक उड़ा रहा हूँ, टिकटॉकर का उड़ा रहा हूँ, और जो टॉक्टर बैठा उसका भी उड़ा रहा हूँ। मैं इसको पसंद करता था, मुझे लगता है यार ये तो बढ़िया हो गया, क्योंकि ये कभी भी ना इतना ट्रोल होता था ना, कभी इसने कुछ नहीं बोला, कभी भी ना परेशान होकर नहीं डाला कि तुम लोग क्या बोल रहे हो मेरे बारे में, समझ लो। तो मुझे हमें और इसके जो साथ वाले जितने भी थे ना वो सब एकदम हाइपर हो गए थे, तो मुझे हमेशा लगता था कि जितने भी मतलब यूट्यूबर्स होंगे या जितने भी लोग हैं, जितना भी मतलब मैं आज तक, मैं पहली बार बोल रहा हूँ ये भी, कि मैं बहुत दोस्त हूँ, बहुत ट्रोल किया है लोगों ने, बहुत ट्रोल किया, और शायद उनके इतने इतनी मेहनत करने के पीछे शायद मैं आज यहाँ हूँ, हो सकता है कि उनकी भी थोड़ी मेहनत लगी हुई सारी, नहीं उनके उनकी व्यूज बड़े, मगर फेम मेरा भी बड़ा जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा था, बट मुझे ये था कि एंड ऑफ द डे इसको ना मैं ना से हाँ में कैसे करूँ, ये मतलब जो लोग मेरे बारे में इतनी नेगेटिविटी सोचते हैं या फिर लड़की बोल रहे जो भी बोल रहे, अब उसको मैं पॉजिटिव कैसे करूँ, मतलब लोगों को मैं अपने तरफ कैसे करूँ, वो मेरे को समझ में आया जबकि बोला मैं 11 साल से काम करता हूँ, तो क्योंकि पता ही नहीं था कि ऐसी भी लाइफ होती, जो लाइफ हम जी रहे थे ना हम उसके साथ इतने कंफर्टेबल थे और उसके साथ हम लोग इतने परफेक्ट थे कि यार हाँ तो नए कपड़े तो इन भी जाते पिक्चर देखने लगी थी याद है, तो समझ रहे ये लाइफ की जो हम जी रहे और ऑल द टाइम, मुझे वो चीज़ हिट हुई 2008 में, 2007 में भी हुई, 2008 में, 2009 में मुझे बहुत ज़्यादा हिट हुई जब डैड को पैदा हुआ, एंड मुझे रियलाइज हुआ कि ओके अब दवाई के पैसे मुझे रहा, तो 2009 में पहली बार हिट हुआ कि भाई पैसा नहीं रहा, और उसके बाद भी काम करते गए और मुझे कभी भी ये सीन नहीं हुआ, मैं मतलब इतना जुगाड़ इंसान था कि मैं काम भी कर रहा हूँ ना और अगर मेरा खर्चा हो रहा है ना तो मैं साइड में कुछ और एक चीज़ बेचता, तो मुझे हमेशा से लगा स्ट्रगल मैंने जो फील की लाइफ में वो थी मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, मुझे काम करने से रोका जा रहा, लाइक सबसे बुरी चीज़ ये है, अभी मैं आपको बोलूँ आप इंटरव्यू नहीं कर सकते,
तुम सोचते हो, तुमको बोलते हो मुझे नहीं कर, तो तुम इंटरव्यू नहीं कर, ठीक है? नॉर्मली साउंड क्या कर रहा है कि भाई सिद्धार्थ तुम इंटरव्यू नहीं कर सकता, बट फॉर यू दैट्स योर लाइफ, फॉर यू इट्स एवरीथिंग, कि तुम मुझे स्टेज पे जाने से कैसे रोक रहे हो, माइक पे प्रॉब्लमेटिक नहीं बोल रहा, मैं फंसाने के लिए जा रहा हूँ, ये बहुत सारे रीजन की वजह से आपको बिना सोचे समझे आपको बैन या वर्कआउट कर दिया जाए, एंड मुझे वो जब फील होता था कि फक मैंने इतना मेहनत किया एक चीज के लिए और कोई एक चीज के लिए तो मुझे इतना परेशान किया जा रहा है, हालांकि मैं उसके जितने कॉन्सिक्वेंसेज है वो सारे फेस कर चुका हूँ, फिर भी आपको प्रॉब्लम है और मुझे मुझे रोक के आपका कुछ फायदा नहीं, 50 लोगों का सिर्फ नुकसान, तो मुझे वो चीज है वो होती थी, और उसमें से मैंने लॉकअप किया एंड लॉकअप किया, और जब मैं लॉकअप जीत के बाहर आया और मैंने जो लोगों का प्यार दिया टुवर्ड्स मी एंड जो मैंने मैसेजेस पढ़े कि तुझे हम ये समझते थे बट वी वांट टू नो योर दिस बिकॉज ऑफ दिस शो, तो वो शो मैंने हाँ बोला था जब मुझे 150 लोग मना कर रहे थे, एक इंसान मैं बोल रहा था कि नहीं मेरे को करना है, बिकॉज आई वॉन्टेड ऑलवेज आई वॉन्टेड आई वॉन्ट टू स्पीक आई वॉन्ट टू से ब्रो मैं ऐसा नहीं हूँ, यू थिंक आई एम हिंदोफोबिक, आई एम नॉट, बट मैं रोज इंटरनेट पे कैसे बताऊं, 4 दिन पहले नया बचकाना आया वो आके बोलेगा कि तू तो ऐसा है, अरे ब्रो मैंने 4 दिन पहले सॉरी बोला चुका था, अच्छा तुम्हें आईडी नहीं बनाया था, चल वापस तेरे को सॉरी बोलते, तो रोज तो इंटरनेट पे इन लोग सॉरी नहीं बोल सकते, रोज इंटरनेट को नहीं समझा सकते हो तुम सही हो, तुम्हारा मतलब ये नहीं था, तुम पॉलिटिकल जोक कर रहे हो, तुम्हारा आइडिया ये नहीं है, तुमसे फन हो, तुम्हारे पास सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो ये तुम रोज एक्सप्लेन नहीं कर सकते, रोज तुम किसी ना किसी को समझा नहीं सकते कि तुम क्या हो, तो मैंने समझाना छोड़ना चाहता था मैं, इसलिए मैंने एक शो किया और उस शो में मैंने बता दिया कि दिस इज मी मेरे अंदर ये स्किल है, मेरे अंदर ये टैलेंट है और मैं ये इंसान और मैं जिंदा रहना डिजर्व करता हूँ, मेरा खाना पानी बंद नहीं करता, मैं वो शो जीत के बाहर आया और आई थिंक दैट वाज द मोमेंट ऑफ माय लाइफ, जब मैं बाहर आया, इससे पहले एक था एक स्टेज पे ना मैं जब शो कर रहा था और शो कम्प्लीट हुआ, एक औरत मेरे पास रोते हुए और उसने मुझे गले लगाया एंड शी सेड कि आई एम अ डॉक्टर और मेरे हस्बैंड की कोविड में डेथ हो गई, एंड और मैं कॉमेडी शो के बाद तुरंत ही ये चीज़ बहुत वो हो गई है, तो मैं ऐसा थोड़ा वो हुआ कि ओके सॉरी मैंने कुछ कोविड पे जोक तो नहीं मार दिया, एंड शी इज लाइक के मैं कोविड के बाद 3-4 महीने घर पे थी, लाइक एंड आई रिमेम्बर कि मैं पहली बार आज हंस गया कि मुझे किसी ने बोला कि मनोहर तेरे को पसंद है उसका शो है तो जा तू देख क्या, तो उसने मुझे बोला और मैं आई और मुझे कि आज मैं इतने टाइम के बाद हंसी, थैंक यू सो मच, शी इज क्राइंग एंड थैंक यू सो मच, शी वो थैंक यू मुझे इसलिए कह रही थी कि वो हंसी, क्या बात है, तो दैट वाज माय मोमेंट जो है दिस मोमेंट आई कांट फॉरगेट इन माय लाइफ, बट द सेम टाइम जब मैं जब भी गिरा हूँ आई थिंक मुझे जितना गिराओगे ना वो स्प्रिंग हूँ भाई, मेरा ईमान है जब फेथ है वो स्प्रिंग ही है, तुम जितना दबाओगे ना इतना ताकत से ऊपर आऊंगा, तो मैं जब भी गिरा हूँ ना मैंने अंदर सोच लिया कि भाई गिर के जो मेरे को हिट मिलता है ना कि ओके भाई चलो अब मैं तुम्हारे को बताता हूँ, ला बीड बजा, ला पेपर ला, ला पेन ला, तो फिर वो एक आर्टिस्ट का उभार आता, तो आई थिंक मेरा बस स्ट्रगल मुझे किसने मैसेज किया था कि रातों रात 4 बजे भी कैसा फील हो रहा है, तो मैं लिखते लिखते रुक गया, फिर मैं सिर्फ इसको इतना लिख दिया कि रातों रात नहीं बना, क्योंकि उसको बाकी रातें नहीं पता, वो मुझे पता है, वो कहते हैं कि रातों रात स्टार करने बनने के लिए कितनी रातें बिताई हैं वो भी जानो, तो मुझे पता है कि रातों रात नहीं बना, मैं यहाँ पे बनने के लिए ऐसा नहीं कि मैं इंडस्ट्री में 3 साल से, मैंने लाइफ में जो 25 साल किया है ना उसने मुझे आज यहाँ पे तुम लोगों के साथ बिठाया, ऋषभ शेट्टी जो है जो कांतारा फिल्म के लीड है जिन्होंने फिल्म बनाई थी आप सबने देखी, तो मैं ऋषभ शेट्टी से मैंने बात किया था और मैंने उनसे पूछा कि अगर कोई बॉलीवुड एक्टर है जो आपका किरदार निभा सकता है इस फिल्म में तो कौन है, बोला कोई बॉलीवुड स्टार निभा ही नहीं सकता, वो एरोगेंस घमंड से नहीं बोला, उन्होंने कहा अगर आप फिल्म देखेंगे ये मैं बचपन से जिया हूं, ये मेरे अंदर है, मेरे फैमिली के अंदर है, विलेज हो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो वो मेरे अंदर है, मैं जिया हूं जब से मैं पैदा हूं, तो मैं किसी एक्टर की कैसे बोलूं कि अच्छा आपको कैरेक्टर में घुसना, आपको ये महसूस करना नहीं कर ही नहीं सकते हो, यू आर एग्जैक्टली टॉकिंग दैट जो अब हम देख रहे हैं आप सबको स्क्रीन पर या कोई भी प्लेटफॉर्म पर, वो हम देख रहे हैं आपकी बचपन से जो आपने उठाया है अपने लाइफ से, फैमिली से, दोस्तों से, जहां से भी, एग्जैक्टली बिल्कुल आपकी वो जिंदगी वही आपको बनाती है, जो आपको जो बनाती है आपकी अपब्रिंगिंग ही बनाती है, तरबियत ना इंसान की जिंदगी में तरबियत का वही असर कि उसकी अपब्रिंगिंग तरबियत, देखो ना सारे सीरियल किलर तो देखो ना माँ बाप का कुछ तो स्ट्रेस रहता है बचपन में तो बड़े हो गए सीरियल किलर बनते हैं, हर मूवी का वही प्लॉट है और आई थिंक वही है कि
बचपन वो तरबियत है ना माँ बाप की या आपके आसपास के लोगों की, वही आपको इंसान को बना दिए कि आप क्या हो, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी आपको कुछ ना कुछ बनाते हैं। मेरे साथ तो यही है कि मैंने ये चीज़ें सीखी है, फील करी है, गलतियाँ भी करी है, बहुत गलत चीज़ें भी सीखी है, सही चीज़ें भी सीखी है, फिर रियलाइज किया कि ओके ये गलत ये सही है। प्रिंस, तो भाई जब मैं दो शो करके बॉम्बे आया था ना, दोनों शो जीत कर टूरिज्म स्पेस, तो जीत के आया तो किसने मुझे बुलाया था कि आ जा बॉम्बे, आप मतलब मैं नाम नहीं लूँगा कि तो लिया मुझे कि आप जना बॉम्बे हम देख लेंगे आगे बहुत सारा काम करेंगे करेंगे। तो मैं भी बोरिया बिस्सा उठाया, कभी चंडीगढ़ से बाहर निकला ही नहीं, मेरा विलेज उसके सामने है सोहाना है ना, तो वहाँ से हूँ, तो कभी मैं कभी फ्लाइट में बैठा ही था ऐसा, कभी गया ही नहीं कहीं बाहर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आया, मैं उनके घर रहा, सेकंड डे भाई सेकंड डे मैं जब काम ऑडिशन देने जाते हम रोज दिन के 100 ऑडिशन देते रहे, वापस आया मेरा सामान बाहर रखा हुआ, तो मैं पूछा भाई ये क्या, तो कह रहा है मेरी ना प्राइवेसी भंग हो रही है ना, मतलब प्राइवेसी मेरी जा रही है, तो मेरी गर्लफ्रेंड है ये। तो मैं ना बड़ा अंदर से वो हो गया कि यार तुमने तो मुझे बुलाया, मैं तो शहर किसको जानते ही नहीं, मैं करूँगा, मुझे ये नहीं पता भाई एयरपोर्ट का रास्ता कौन सा है। अब बात मैं बैग लेके मैं यारी रोड की उस तरफ जाकर चाय कॉफी है वहाँ पे खाऊँ, और सोच रहा हूँ क्या करूँ क्योंकि घर भी नहीं पता कैसे मिलेंगे, कुछ पता ही नहीं शहर के बारे में क्या करेंगे। तो मेरा एक रोडिस प्रोडक्शन में लड़का था कुणाल, उसने मुझे फ़ोन किया बाई चांस, मैं बॉम्बे आया हूँ कि कुत्ते तू बॉम्बे आया है, मैंने कहा मैं आया तो हूँ, मुझे ऐसे बुलाया था पर उन्होंने तो घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया। तो कह रहा कहता तू कहाँ है, मैं कहा मैं यहाँ, कहता मैं आ गया भाई, वो मुझे लेने आया ठीक है, वो अपने घर ले गया, वो ना वन रूम किचन में रहता था चार लड़कों के साथ। उस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि भाई पैसा इंसान अच्छा नहीं बना सकता। उस लड़के ने मुझे 2 महीने अपने घर में रखा ठीक है, और अपनी मेड को बोल के जाता था कि इसका ध्यान रखना तुम। मैं गोरेगांव से यहाँ पर ऑडिशन देने आता था, रोज देकर जाता था वापस, पर मैं आज भी बोलूँगा अगर कुणाल नहीं होता, थैंक यू कुणाल, तो मैं बॉम्बे में नहीं होता। तो उसके बाद मैंने बोला कि भगवान ना बहुत नसीब वालों को देता है क्योंकि वो उनसे उम्मीद करता है कि वो आगे करेंगे, इसलिए आज जितने भी बॉम्बे में जो लोग मेरे को रूडीज में लोग गुस्से में देखते हैं तो मैं उनको सच्चाई बताता हूँ, गुस्से में इसलिए होता हूँ कि भाई बाहर जाके जो लोग तुम्हें इस शो में वादे करेंगे वो नहीं होगा, उसके एग्जाम्पल मैं बैठा हूँ, नहीं होगा। तो यहाँ से सीख के जाओ कि बाहर जाके तुम्हें जिंदगी खुद जीनी है, स्ट्रगल तुम्हारा खुद का है, हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी खुद की लाइफ है, उनकी खुद की फैमिली है, वो खुद संभाल रहे हैं दूसरे को, हम क्यों कहेंगे कि भाई तुम मम्मी देखो। पर ये रियलिटी है, जो शोज में वादे होते हैं वो कभी बाहर जाके पूरे नहीं। मैं फिर से करण भाई से पूछूंगा आपका स्ट्रगल कैसा था, कर लिया करण एक इंसान वैसा है, जब मैं लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा था, मेरे पास घर से पैसे नहीं लेता था मैं, तो फर्स्ट 6 मंथ जब मेरे काम नहीं था तो पूरे खाने का एक्सपेंस मेरा करण देता था, मैं उसे ट्रेन करता था फिटनेस के ऊपर और वो मतलब वो करता था। तो मैं मेरे को लगता है कुछ लोग मेरी जिंदगी में ऐसे हैं जिनके साथ मेरा कभी कॉम्पिटिशन हो ही नहीं सकता। वही कोई बोलता है ना कि यार तू अब रन विजय करण तू ऐसा काम, जब मैं बिग बॉस कर चुका था कि अब तू आगे चाह चुका है, मैंने कहा भाई अगर मैं इन 2 बंदों से कभी लाइफ में कम्पीट करूंगा ना तो मेरे से बकवास इंसान कभी कोई हो ही सकता, क्योंकि ये 2 लोग वो हैं जिन्होंने मेरी लाइफ बदली है, तो मेरे वो कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा। आई लव यू रन विजय भाई, करण भाई लव यू, नहीं करण भाई लव यू। नकुल यार आई थिंक इस साल का पर्टिकुलर इट विल बी रॉन्ग ऑफ मी टू से कि संघर्ष रहा है इस साल आई थिंक जो सालों का संघर्ष है उसका बेपना प्यार मिला है, एंड इट विल बी रॉन्ग फॉर मी टू से फॉर कैमरा कि इट्स बीन अ स्ट्रगल, बहुत मुश्किल था सबके लिए, मुश्किल था सबके लिए, एंड ऑल ऑफ अस फाउंड आवर ओन वेज टू चैनलाइज आवर एनर्जीज राइट, बट आई थिंक ये पहला साल है वेयर आई फील आई बीन एबल टू ब्रेक द शैकल्स ऑफ लोग जो कहते हैं ना वो यूर एन एक्टर नाउ यू हैव यू नो यू शुड बिहेव इन अ सर्टेन वे, यू शुड ड्राइव अ सर्टेन कार, आई हैव नेवर फॉलन प्रे टू दैट इन माय लाइफ, बट आई थिंक दिस ईयर आई हैव मैनेज्ड टू इवन ब्रेक डाउन अ लॉट अदर थिंग्स वेयर लाइक मुझे हमेशा लगता था आई डोंट नो आप लोग के साथ हुआ है व्हेन अ फैन कम्स एंड मीट्स यू राइट, एंड इट्स बीन मेनी मेनी इयर्स आई स्टिल डोंट नो हाउ टू टेक अ पिक्चर विद हिम लाइक कैसे लो, सो आई टू फिश आई हैड माय फैन मोमेंट विद व्हेन आई मेट शाहरुख वर्क टू देम यू नो वुड ही हैज वेरी लाइक way of doing it, right? So I thought maybe that's the way to be a star.
Or there is, if you meet a Ranveer, Ranveer will hug you, kiss you. I still don't know how to be with people because also you don't know personal boundaries, right? Like, you know, some people just, they're also so excited, they come and grab you. Sometimes they hold you in the wrong place because they don't know how to be with you. Some people are shivering. I still don't know how to be with people. But that's right. वो होना ही नहीं है क्योंकि सब लोग अलग अलग आते हैं. कुछ लोग आते हैं भाई कैसे हो बता ना. कुछ लोग सीधा भाई सेल्फी देने आते पूछते भी नहीं है. तो वो हर लोगों के साथ ना मैंने वो बना लिया. मुझे ना बहुत साल लग गए इस साल से. आई थिंक देयर इज सो मच लाइक ईज नाउ कि बिफोर समवन कम्स आल्सो नाउ आई कैन जज आईज राइट. आई सी आईज आई नो अनलाइक व्हाट अ फोटो. I will go out and say hello to any random person there is. वो लगता है कि उसको फोटो चाहिए पर वो सोचता है कि यार वो बुलाने थे. इतना बड़ा है क्या क्या फोटो मांगने से. मुझे वो भी दिखता है और कभी कभी ऐसा होता है कि कब से देख रहा है कब से देख रहा है. तो मैं ऐसे ये सब हम में भी है. आपके हाथ में आते हैं. यस यस अच्छा लगता है आपके वीडियोस देखना. ये फिर वो देख रहा है. देख रहा हूँ आगे क्या बात है. सारे सब पूछ रहा हूँ फोटो चाहिए क्या. नहीं नहीं फोटो नहीं चाहिए. I was like ठीक है. So I think इस साल मैंने so I was in London for a holiday with family for 2 weeks just the beginning of this month and I said it's so I've done this fan meet and greet where you get paid lot of money to take photos of people. I also realized कि यार आपको take money to do this where someone comes and takes a photo with you. I think it's wrong because I make enough money from what I do well. I don't want to monetize people's love for me, right? And that's purely personal. So इस बार मैंने just on a whim I woke up one morning in London and I said, listen, I just put up a video saying मैं यहाँ हूँ कल मैं कॉफी यहाँ से लेने आ रहा हूँ. मैं रोज नहीं था मैंने वो नहीं खा क्योंकि मैं उसके सामने ही रह रहा था. If you're around come I'll be happy to buy you coffee. And I was staying in a part of London जहाँ बेसिस बिल्कुल भी नहीं होगी दूर दराज तक because you know there are beds with lots of Indians in there. I kid you not, next morning there were about 150 people in a coffee shop which could not take those people, right? And I'm like, okay, how do we construct this? Because we haven't organized it. I put up a random video. I saw that video. You saw that, right? And I realized that people were shocked that, well, how is he doing it? And I realized if you are human with other human beings, they will also not trespass your boundaries, your sense of... And I always feel there is always... love on the ground. There is only yes. love, yeah. There is only love. Fucking love on the ground. Yeah, you will never see a person. You get. I didn't like you. I didn't like that you did. No. I always like. कोई भी है. वो आके बस प्यार ही है. There's so much love on the ground. There was a girl, like young lady who came and said, you know, पिछले 4 महीने से I've not had a job, but your show has given me comfort. तो मैं आपको घर तो नहीं बुला सकती पर मैं आपके लिए ना रबड़ी बना के लाई थी. मुझे लगा यू मस्ट बी मिसिंग इट. एंड आई जस्ट थॉट वाओ लाइक मतलब मैन आई आल्सो फैन बॉय पीपल इन माय लाइफ. आई हैव नेवर थॉट कि मैं उनके लिए ऐसा क्या कर सकता हूं उनको इन अ फॉरेन कंट्री विल मेक देम फील एट होम. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज आई नीड टू बी मोर एक्सेसिबल व्हेन आई कैन आल्सो इट कांट टेक अवे फ्रॉम माय लाइफ बिकॉज ये एक्सचेंजेस ही मुझे नहीं पता उन्हें कितना मिला. आई एम श्योर दे मस्ट हैव गॉट अ फोटो और नाइस एनेक्डोट की नकुल से मिले और जो मुझे मिला उससे आई कांट डिस्क्राइब दैट इन वर्ड्स. दोस फीलिंग्स आई टेक बैक टू द वर्क आई गो एवरी डे कि यू आर नॉट वर्किंग हियर जस्ट फॉर योर पेचेक और जस्ट फॉर अ सर्टेन अमाउंट. यू आल्सो दिस यू आल्सो गिविंग होप टू समवन. सेम थिंग वो भी साथ में लेके गई है. आई होप क्योंकि जब मैं वही है मैं अपनी शो के अपनी खड़े होता हूँ कोई भी फोटो के लिए कभी भी आया ना फोटो के लिए कभी मना नहीं करता. मैं चाहता हूँ कि लोग फोटो खींचे क्योंकि कोई आपसे मिल के आता है ना वो बोलता है एक दिन तक कि मैं इससे मिला. वो फोटो ना उसका एक वैलिडेशन वो फिर सोशल मीडिया पे डालेगा उसके 15 दिन तक लाइक आ रहे हैं तो बोलेगा कि मैं शो देखा ये फोटो देखा तो उसको वो जोन में रहेगा 10 दिन तक खुश so रहेगा nice. और तो जैसे कि एक हमारे लिए अगर 100 लोग मिलने आए तो 100 है लेकिन उस उन 100 में से हर एक 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 बंदे के लिए वो हमसे मिलने आए वो सिर्फ हमसे मिलने आए तो वो एक एक ही एंटिटी से मिलने आए तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है. तो वी हैव टू यू नो वैल्यू दैट एवरी सिंगल पर्सन हु वैल्यूज us as such a big entity. I think that's why I call you disruptors. क्योंकि जहाँ पे भी आप जाते हो आपके लोग आपको follow करके उठा देते हैं. Last जनता का प्यार सिटी का अंगार. Simple questions Faizu इस साल का resolution क्या है 2023 का. मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा और
मैंने जितने भी शोज किया या जो भी काम किया आज तक मेरी ये 7 साल की जर्नी में, मैंने कभी कोई ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं किया कि मेरे को इसके बाद ये करना है इसके बाद ये करना है। हाँ मैं अपने आप को ग्रूव कर देगा, अपने आप में खुद में ग्रूमिंग बहुत किया मैंने, और बस मेरा यही था कि खुद को तैयार कर लो, आगे चल के चीज़ें जो आ रही है वो तो आप कर ही लो, तो बस मेरा यही था। हाँ बस अब मुझे एक चीज़ है और मेरा एक सपना है, अब वो सपना बन गया है पता नहीं ये 7 साल के अंदर, मुझे पिक्चर करना है, एक मूवी करना है। मैं ते दिल से और मैंने खुद में नोटिस किया हूँ, क्योंकि देखो मैं तो मतलब कहा मैं हिल रोड का एक बंदा हूँ जो सेल्समैन है, और 7 साल पहले अगर मैं खुद को इमेजिन करता हूँ तो मुझे आज भी विजुअल आते हैं मेरे काम के, आज भी आते हैं मुझे काम के मेरे विजुअल, क्योंकि मैं इतना खो चुका था उस चीज में। हिल रोड में कहाँ? हिल रोड में अपना एल्को मार्केट है, एल्को मार्केट के सामने, एल्को मार्केट के सामने, तो मैं आ रहा हूँ वहाँ पे 5-6 साल मैं वहाँ पे सेल्समैन था, और इतना काम किया कि मुझे आज भी मेरे काम के विजुअल जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज भी वहाँ काम कर रहा हूँ। सिस्टर 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 हाँ मैडम क्या देख रहा है जी, स्टॉप टी शर्ट आपके साइड में इसका होता है बस, तो मैं एंट्री बॉय से लेके आज तक सारी चीजें मतलब किया, और मेरा जो पहला रियलिटी शो किया था मैंने उसमें भी मेरा जो एक शाहरुख खान का गाना है शाहरुख सर का चांद तारे तोड़ डाउन, यस बॉस, बस इतना सा ख्वाब है मेरा, पहला गाना भी वही था मुझे, तो बस मुझे उसमें भी मैंने पूरा बताया था कि मतलब मैं सेल्समैन हूँ और इधर से मैं अपने टॉप जीन्स बेच रहा हूँ, उसके बाद में मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई तो सोशल मीडिया के साथ में, तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि जब मैं सेल्समैन था तो उसमें भी मुझे ऐसा लगता था कि मतलब ये शुरू का वक्ती दौर है, और उसके बाद में मैं अच्छा कर रहा हूँ, करते करते मैं एक एंट्री बॉय था, एंट्री बॉय के बाद में मैं 18 लोग मेरे हाथ के नीचे आ गए, 3 दुकान आ गई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जो चीज़ में जाता हूँ या अपना कुछ इनपुट देता हूँ तो अच्छा करता हूँ। उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया टिकटॉक मैंने इतना अच्छा किया कि मैं वर्ल्ड में 3rd नंबर पे था, 32 मिलियन फॉलोअर्स थे, आईडी बैन हो गई, अब आईडी बैन हो गई तो फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, बस मैं जब दूसरे प्लेटफॉर्म पे आया तो पूरे फॉलोअर्स यहाँ आ गए, डिसरप्टर भाई, तो जब पूरे फॉलोअर्स यहाँ आ गए तो पूरे 32 मिलियन मेरे मतलब यहाँ पे आने लगे, तो हो गए मतलब कुछ इंस्टाग्राम पे आ रहा हूँ मेरे कुछ 20-21 मिलियन आ गए थे, तो फिर वो करते करते मुझे म्यूजिक वीडियोस आए, अब म्यूजिक वीडियोस आए तो मैं देख रहा हूँ कि वो ग्लोबल ट्रेंड कर रहा है नंबर 1, और 3 दिन में अराउंड 40 मिलियन व्यूज, मैं बोला पहला म्यूजिक वीडियो क्यों इतना व्यू, मतलब लोग किस तरीके से पसंद कर रहे हैं कैसे पसंद कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है, वो लोग थे फैंस थे जो सोचते गए और प्यार देते गए, और मेरा एक चीज़ था कि मैं अपने आप को एकदम खुली किताब रखूँ, कि ये नहीं रखूँ कि मतलब मैं ऐसा हूँ और ऐसा दिखा रहा हूँ, जो मैं था मैंने वही दिखाया, म्यूजिक वीडियो करने यार सीरीज आई, मैंने बैंग बैंग एक सीरीज किया, आईएमडीबी एक रेटिंग चार्ट होता है उस पर मेरा 7.4 का रेटिंग था, तो मैं बोला मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है, एक हफ्ता मतलब बहुत सही चला गया, फिर उसके बाद में मैंने रियलिटी शो किया, रियलिटी शो में भी लोग अच्छा पसंद कर रहे हैं, तो अभी सपना तो ऐसा था नहीं, सपना बना नहीं, मतलब वो कहने से हो गया है कि बस हाँ मुझे अभी पिक्चर करना है, वो हमें कहीं ना कहीं पता नहीं होता, हमें लाइफ में जो हम पुराना काम करते हैं, अभी मैं 15 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, मेरा भी कपड़े काम था, मैं भी बिजनेस डैड की बिजनेस फैक्टर, बहुत छोटे में डैड को स्पॉन्सर का टाइप हुआ था तो वो घर बैठ गए थे, तो मैं अकेला बिजनेस संभालता था, तो मुझे लगता है कि हमारी स्ट्रगल में जिसने ज्यादा साथ दिया ना तो हमारे काम नहीं दिए, क्योंकि काम से हम इतने स्ट्रीट स्मार्ट हो गए थे कि हमें पता था कि यार ये कस्टमर आएगा लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा, सही बात, तो उससे हम जुगाड़ू बने, तो आज कोई बोलता है ना भाई इतने सारे टास्क कैसे कर लेते हो, क्योंकि हमें जुगाड़ पता है कि अगर ये नहीं हो रहा तो कैसे निकल रहे, मेरा वो चीज़ यहाँ बहुत मैटर करती है, मेरा एक चीज़ था पूरे मार्केट में ना लोग मुझे जानते थे कि फैसल शेख नाम का कोई लड़का है जो एक साथ 5 कस्टमर दिखाने लगा, मैं एक साथ 5 कस्टमर दिखाता था और 5 के 5 को जीन्स देके बेचता या टॉप देके बेचता, मेरे मैं ऐसा भी और मेरा इतना मतलब इतना स्मार्ट हो गया था मैं इस चीज में, अब देखो वो थोड़ा अलग साउंड करेगा मगर काम है तो मैं बता भाई, ऐसी कस्टमर आता था बोलता मैडम 32 ना भाई, हम मैं हमारे से भी ऐसा होता था, मेरे डैड और मेरा कॉम्पिटिशन चलता था हमेशा, कि अगर जैसे हमारे शॉप पे कोई लोग काम करते हैं उनसे कपड़ा पसंद नहीं आया तो वो जा रहे हैं हम स्टेयर से बुलाकर वापस वापस कपड़ा देते रहे और सेम उनको 10-10 पीस देके ऐसे भेजते थे, तो मेरा डैड के बीच में हमेशा कॉम्पिटिशन चलता रहा कि हम कैसे इसको करेंगे, और जब उन्हें मुझे सिखा दिया तो उसे बैठ के देखते थे, और फिर हमारे एक होता है दिन होता है 10वीं जिसमें हमारा बहुत सारा काम होता है, तो उस दिन हम काउंटर पकड़ते थे, डैड आपका काउंटर ये मेरे ये आज हम सबसे ज्यादा सेल कौन करेगा, सो हम वैसे पैदा हुआ तो हम उससे द रीजन लोग हमें प्यार करते हैं, द रीजन यही है कि उनको ये सब चीजें सुनने मिलती है जो उनको बाकी सब तक नहीं सुनने मिली है,
वो देख रहे कि गली के लड़के आके मचा रहे हैं, मतलब ये इन्होंने क्या किया और उनको लगता है कि हमने से कोई नया रेजोल्यूशन लूंगा तो फिर कोई पॉइंट नहीं है, वो चीज मैं पूरे साल करूँ और वो होती रहे वो मैटर करती है। एंड मांगता मैं कुछ नहीं, हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ कि यार शुक्र है बस जो भी आ रहा है जो भी है उसके लिए शुक्रिया है, क्योंकि शुक्र करते करते यहाँ तक पहुंचो और शुक्र ही करना है बस। आई थिंक दैट्स दैट्स ऑल। कोई ऐसे ये ख्वाब नहीं है जैसे फेसबुक पे पिक्चर हो जाए, वो सब है मैं मानता हूँ, बट मैं मुझे लगता है कि मांगने बिना चीज मिलती नहीं है। तुम बिलीव करो कि वो ऑलरेडी तुम्हारे पास है तो वो, और उसके लिए शुक्रिया कर दो बस, शुक्रिया भगवान, एंड बस वो है, तो मैं वो उस चीज में बिलीव करता हूँ। ख्वाब है डेफिनेटली ख्वाब, बट मैं सिर्फ ये बिलीव करता हूँ कि कैलेंडर चेंज होता है, बट फिर भी एक क्वेश्चन है उसके लिए जवाब ये देता हूँ कि मैंने एक चीज फील करी और ये बहुत खूबसूरत चीज है कि जब आपसे आपके आसपास के लोग खुश होते हैं, आसपास के लोग पड़ोसी आपके रिलेटिव बहने भाई रिश्तेदार, वो जब आपसे खुश है ना, लालच वाले वे में नहीं कह रहा हूँ कि आपके आसपास के लोग आपकी वजह से अपनी लाइफ में सेटल है, तो मुझे ये फील हो रहा है कि मेरे आसपास के चूल्हे जल रहे हो, वो चूल्हे कभी खाली ना हो और मुझे ऊपर वाला इतना दे कि मैं दे सकूँ, मेरा हाथ कभी ऐसे ना रहे, मेरा हाथ हमेशा ऐसे रहे, क्योंकि काम तो मैं कर ही रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बस मुझे काम करना है, काम ही मेरे पास काम है, सबको पता काम है और मैं कुछ ना कुछ काम कर लूँ तो काम है ही, बट मुझे वो चाहिए कि मैं कभी ऐसा हाथ ना जाए, मैं कभी किसी का मोहताज ना हूँ, भले मैं कम कमाऊँ बट मैं ऐसे ही रहूँ। तो ये है, और रही बात ख्वाब की तो मैंने एक लाइन बोला था कि मौत मुकम्मल मैं डरने वाला नहीं, जो जंग हक है मैं लड़ने वाला वही, तालियों से जब तक भरना दूंगा स्टेडियम कसम खुदा की मैं मरने वाला तो ये ख्वाब स्टेडियम भरना है। प्रिंस भाई, भाई जैसे मैंने और बोला, मेरा तो अभी इस साल का ये रेजोल्यूशन ये होगा कि अपने गानों के थ्रू लोगों को बहुत सारा प्यार दूँ। जिस फील्ड में मैंने अपने अपने दूसरे फील्ड को कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो लोग प्यार दे रहे हैं, तो उसको उतना ही बढ़ा कर रखूँ, अच्छा संगीत दूँ लोगों को, जो मेरा पैशन है वो भी पूरा करूँ, सपना पूरा करूँ, बस सिंपल सा ही, ज़्यादा कुछ भगवान से मांगे, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान कि हम, मैं तो कोई मुझसे पूछता है कि यार आप क्या मांगते हो, मैं बोलता हूँ कि यार मैंने इतना भी मांगा था जितना दे दिया, ठीक है, तो भगवान तो दे ही रहे, ठीक है, अब जितना दिया बहुत है बस। जैसे इन्होंने बोला कि सबका अपना सपना होता है, मेरा कभी सपना नहीं है कि मुझे फिल्म मिले, मेरे को फिल्म मिले, मैं फिल्म में जाऊँ या करूँ, मेरे को लगता है कि मैं जो जिसमें सेट हूँ ना भाई, मैं जिसमें कर रहा हूँ, अगर मेरे को रियलिटी शो कहीं मानता है तो मैं वहीं सेट हूँ, मैं कर लूँगा, मैं अपने मैं मांग के काम नहीं कर सकता, मैं अपने रास्ते ढूंढूंगा, खुद बना लूंगा, मैं बना लूंगा, मेरे को पता है। तो मेरे को लगता है कि मैं अभी ये साल सिर्फ संगीत को दूंगा, और बेबी प्लान कर रहे हैं तो ये साल हमारा उसमें फोकस है। क्या बात है यार, गॉड ब्लेस, सच अ गुड न्यूज, बहुत अच्छा लगा, कुछ पेरेंटल टिप्स चाहिए आप दोनों से, यस वो बाद में लेता ना, इसके बाद गॉड ब्लेस बेबी हो, ऐसा हेल्दी हो। नकुल, एक ख्वाब? ख्वाब नहीं है, बट व्हेन यू से रेजोल्यूशन, मैं अगला साल मेरा सीखने का साल होगा, मुझे लगता है मेरे लाइफ में हमेशा ये साइकिल रहा है, मैं दो तीन साल बहुत जंप कर रेजोल्यूशन, इट्स जस्ट क्रेजी लाइफ स्टाइल राइट, बहुत काम होता है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक बियॉन्ड अ पॉइंट यू स्टॉप लर्निंग, एंड आई वांट टू गो बैक, नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी अबाउट लर्निंग टू फीडिंग माई क्यूरियोसिटी टू बीइंग मोर प्रेजेंट इन द मोमेंट, आई फील बिकॉज इन द इंडस्ट्री वी आर, हम हमेशा ढूंढने की अगला क्या हाउ डू वी डू दिस, हाउ डू वी स्टे रेलेवेंट, ऑल ऑफ दैट, आई वांट टू बी हियर, सो इफ आई एम पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन आई वांट टू लिसन टू एवरीवन, आई वांट टू बी टेक इट इन, नॉट थिंकिंग ही इसके बाद क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, नन ऑफ दैट, जस्ट बी हियर, एंड दिस आई हैव लर्नड इंक्रीजिंगली एज आई बिकम अ फादर, बिकॉज बच्चों को उनके लिए वही मोमेंट है, दे डोंट प्लान 10 इयर्स फ्रॉम नाउ, 5 इयर्स फ्रॉम नाउ वी विल हैव दिस, वी विल हैव दैट, and I think that quality brings a lot of kharaab in any work you do as an artist, that brings a lot of kharaab as a human bhai, ye life mein na age tak bahut cheeze badalti hain, aise bole jaise main bol raha hu ki 20s ki age mein the na to hame koi dar nahi tha life ka, bas kar rahe the, kaam kar rahe the, correct, jaise tum thode 30s ki age mein aate ho, 32 aate ho aur tumhara chahe to jaise bhai ki shaadi ho gaya baby, jaisi responsibility badhti hai na tumhe life se pyar ho jata hai, tumhe dar lagta hai ki bhai hame kuch ho na jaye, पीछे कौन संभालेगा सब कुछ,
सो वो जो डर है ना वो एक सर्टेन एज के बाद आता ही आता है लाइफ में। मुझे लगता है कि मैं आज से 3 साल पहले देखूं खुद को तो मुझे डर था ही कभी, और आज मैं अगर फ्लाइट में बैठता हूँ तो मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि भाई मैं सही से लैंड करा, मुझे अभी बहुत कुछ करना है अपने खानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने आसपास लोगों के लिए। तो वो डर हमेशा में लाइफ में 3 साल पहले तो रुबड़ी था बोले क्या कर रहा है भाई। थैंक यू सो मच कि आप लोग आए। मैं हमेशा आप सबसे इंटरव्यू हो नहीं हो जेन्यूनली कहता हूं दिल से कितना सीखता हूं आप सबसे। एक बहुत अच्छी बात है आप सब में कि एक डीएनए कॉमन है। मुझे लगता है कि अलग अलग फील्ड से हो गए पर डीएनए कॉमन है, एक जुनून है कुछ कर दिखाने की। एंड आई रियली विश कि तुम लोग ऐसे ही इतिहास बनाते रहो और जो भी खुशी मिलती है वो करते रहो। ऑलराइट द गेम चेंजर्स ऑफ 2022 द डिसरप्टर्स फैजू प्रतीक मुनावर प्रिंस नकुल मेहता द गेम चेंजर्स माय ब्रदर आई गिव यू ऑल अ बाउ। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच। इतिहास बनाने के पैदा हुए मेरे भाई लोग, गॉड ब्लेस। थैंक यू। सुपर्ब। ओके, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में ही कहा था कि वो सिर्फ जो का पार्ट होता है, राइट, जिसको लोग इतना ज्यादा कुछ तो भी नमक मिर्च लगाकर प्रेजेंट कर देते हैं जहां तक कि वो दूर दूर तक इंटेंशंस में भी नहीं होते हैं। तो दूसरी चीज ये कि ये चीज मुझे, मैंने बोला ना कि फैजू को जितना ट्रोल किया गया वो खुद आज उसने अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसे कभी नहीं, अपने काम पे फोकस करता रहा और वो बहुत 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 बेस्ट है, ठीक है। एंड मुझे वही जो बीच में इतना ज्यादा चल रहा था कि मुनव्वर ने ये वाला जो है जोक कर दिया, फैजू को लेकर ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो सिर्फ एक फ्लो में जा रहा था इसके लिए बोला गया, अदरवाइज और कुछ नहीं था दिल में, कुछ नहीं था। और वो आज उसने सारी चीजें क्लियर भी कर दी है एंड सबके पॉइंट ऑफ व्यू इतने करेक्ट रहते कि हम किसी को कुछ जज ही नहीं कर सकते, इसने यहाँ पर गलत बोला, इसने यहाँ पर गलत बोला, इसने यहाँ पर गलत बोला। हर एक चीज से मैं एग्री हूं उनकी, राइट, हर किसी का अपना स्ट्रगल, हर किसी की अपनी लाइफ, कोई किसी के बारे में नहीं जानता, वो उतना ही जानते हैं जितना हम लोग, मतलब वो दिखाते हैं, राइट, हम लोग नहीं वो लोग दिखाते हैं, राइट। एंड यस, और सिद्धार्थ सर के बारे में यही बोलूं तो मुझे बहुत उनका हम्बल नेचर अच्छा लगता है, बहुत। ये मुझे लॉकअप से ही, मतलब इतने सारे थे लेकिन उनमें से मुझे सिद्धार्थ सर का बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके से उनकी बात करने का तरीका है, एग्री करते हैं हर एक चीज, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत सुलझे हुए क्वेश्चंस और बहुत ही अच्छे तरीके से, बोलते सुलझा हुआ इंसान, समझ कर लेने वाला इंसान, सामने वाले की क्या पॉइंट ऑफ व्यू उसको समझने वाला इंसान, वैसे वाले लगते हैं मुझे। यस, तो चलती हूँ मैं, लेकिन उससे पहले वही कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, एंड ऑफकोर्स बाकी सबके फैंस के साथ में। एंड गाइस, मुझे यहाँ तक देख लिया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें, खुश रहें। Thank you. Ta-da, bye-bye.